हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेने वाला हूं इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री, है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन, ये सब टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और यहाँ जो आई टे बारा यहाँ मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास तीन चार मेथड है। सबसे पहले जो मेथड आता है वो सॉल्वेबल फॉर पी, देन सॉल्वेबल फॉर एक्स, देन सॉल्वेबल फॉर वाई, देन क्लोरीन फॉर्म, ये चार टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन होती क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो मेरी वीडियोज है वो एक बार देख लें, उससे आपको समझने में इसको कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वाला टॉपिक है तो आपको वो देखना जरूरी है। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री, लाइक है ना, मतलब होता क्या है यहां पे, देखो ऑर्डर और डिग्री मैं बता चुका हूं। ऑर्डर क्या होता है, लाइक जैसे ये इक्वेशन है dy / dx, है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, d2y / dx स्क्वायर, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके अंदर हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है वो उसका ऑर्डर होता है, राइट। जैसे मैं आपके सामने इक्वेशन बोलूंगी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है, राइट। तो आप देख रहे हो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना है, वन है, और उसके ऊपर जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, एन है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड एन डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसका यहाँ पे एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि जो dy / dx होता है उसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। और ये जो कैपिटल p0 p1 ये क्या है, ये x के कोई भी फंक्शन है, राइट, है ना, या पॉलिनोमियल मान लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है इसको इसको हम p लिखेंगे, स्मॉल p, तो p पावर n माइनस वन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो ये हमारा फॉर्म होता है। अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पे चार मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेथड डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, वो है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। अब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी कब यूज करेंगे, अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसको सॉल्वेबल फॉर पी करना है या सॉल्वेबल फॉर एक्स करना है या सॉल्वेबल फॉर वाई करना है या फिर क्लोरीन फॉर्म। तो भैया आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन को हर जो क्वेश्चन का टाइप है उससे आपको समझ में आ जाएगा। लाइक जैसे अगर ये वाला आप मेथड कब यूज करेंगे, जब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है और उसके इस तरह से फैक्टर हो रहे हैं, हर फैक्टर में पी आ रहा है कहीं ना कहीं, राइट, है ना। तो इसको हम जैसे जीरो के पुट करेंगे जीरो के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर बराबर जीरो होगा, है ना। तो जैसे इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक सॉल्यूशन ये मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन ये मिलेगा, तीसरा सॉल्यूशन, मतलब एन ऐसे एन सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, राइट। अब एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर कांस्टेंट सिर्फ एक होता है ना, तो एक कांस्टेंट है यहां पे, तो आपके यहां पे c1 आ रहा है, c2 आ रहा है, cn आएगा, कांस्टेंट कितने आएंगे, n कांस्टेंट आएंगे, पर ये सभी कांस्टेंट को हम क्या मानेंगे, सिर्फ c मानेंगे, राइट। तो कांस्टेंट यहां पे एक ही लेना है, आपको n कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये जो सॉल्यूशन आएगा, राइट, या इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर जीरो रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इस फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। सो यहाँ पे बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे तो 6p माइनस का 3p प्लस का 18 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से पी कॉमन लेंगे तो आएगा पी माइनस 6, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो पी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। सो यार पी माइनस 3 इंटू पी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, तो या तो पी माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर पी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो होगा। स्टूडेंट हम जानते हैं पी की वैल्यू कितनी होती है, डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, और यह आएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, देन इसको आप उधर ले जाइए, सो डी वाई माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यह आएगा वाई माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब इज इक्वल टू सी ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमें सेम ही लेना है। देन यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई माइनस 6 डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यह आएगा वाई माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू सी, ना इसको उधर ले लीजिए, तो y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे आप ले लेंगे y माइनस 6x माइनस c इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, y माइनस 3x माइनस c इंटू y माइनस 6x माइनस c इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या होएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस 2p वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 2p वाई cot x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसके जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, माइनस का 2y cot x प्लस माइनस क्या आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, सो दिस इज 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 4
दिस इंटू दिस आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे टू आएगा राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी p इज इक्वल टू माइनस का टू वाई कॉट एक्स प्लस माइनस यहाँ से ये टू फोर कॉमन आएगा तो ये फोर से टू क्या हो जाएगा कैंसिल ही कर दीजिए सबसे बढ़िया और ये वाई स्क्वायर भी कॉमन आती है वाई हो जाएगा अंडर रूट कितना आएगा देखिए यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और हम जानते हैं स्टूडेंट वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। सो यहाँ से देखिए वाई कॉमन आ रहा है वाई कॉमन ले लीजिए सबसे बेस्ट है ना चलो बाद में लेंगे इसको कॉट एक्स प्लस माइनस और यहाँ से वाई ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस एक्स एक्स वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स तो कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दो केस लेंगे एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस तो प्लस लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ से पी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ है ना और ये प्लस ले रहा हूँ तो माइनस वाई कॉमन लिया तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं चलो एक बार कॉट एक्स लिखते हैं देन यहाँ पे माइनस वाई कॉट एक्स लिख दीजिए सबसे बेस्ट है देन ये आएगा प्लस वाई कॉसेक एक्स और यहाँ पे हम लेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस का सॉरी पी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मतलब मैं पी को डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ राइट है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माइनस का वाई कॉट एक्स माइनस का वाई क्या आएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स आएगा क्लियर। नाउ अब स्टूडेंट क्या करेंगे देखो यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है सो इसको ले लीजिए आप डी वाई और वाई कॉमन ले लीजिए चलो है ना मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ बाद में इसको अगले स्टेप में करेंगे कॉट कॉम क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन राइट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ठीक है प्लस यहाँ पे कितना आएगा देखो ये माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस हो जाएगा और ये आएगा वन अपॉन साइन एक्स और आप देख रहे हो साइन का एलसीएम लेंगे अपन तो सीधा मैं साइन को नीचे ले लेता हूँ तो ये आएगा साइन एक्स और आगे वन माइनस हो जाएगा राइट। अब आप क्या करें इस वाई को इधर ले लें तो डी वाई अपॉन वाई आ जाएगा और ये डी एक्स उधर गया और स्टूडेंट हम जानते हैं वन माइनस कोट एक्स कॉस एक्स माइनस वन है राइट तो माइनस अंदर ले लीजिए तो ये माइनस अंदर गया तो क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स अपन क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये साइन है इसको क्या लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू तो स्टूडेंट साइन एक्स बाई टू कैंसिल टू से टू कैंसिल तो ये हमारे पास आएगा टेन एक्स बाई टू दैन यहाँ पे डी वाई तो इसके साथ में यहाँ इसको लिख देता हूँ डी एक्स है ना तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स दैन इसकी वैल्यू आएगी लॉग वाई और ये होगा लॉग सेक एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू तो टू यहाँ आ जाएगा प्लस का सी तो हमारा एक सॉल्यूशन ये आएगा राइट। आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके इधर इसको ऐसे ले लो है ना तो यहाँ पे कांस्टेंट को आप सी लॉग भी ले सकते हो या आप इसको चाहो तो चलो इसको लॉग सी ले लेते अपन राइट तो ये आ जाएगा आपके पास इस ऊपर गया तो लॉग क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सी हो जाएगा देन लॉग से लॉग कैंसिल तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू ये आएगा सी सेक स्क्वायर एक्स बाय टू आएगा राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से माइनस वाई कॉमन लेंगे राइट सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से माइनस वाई कॉमन निकाला तो ये आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है ना और ये आएगा आपके पास माइनस कॉमन आ गया तो आएगा वन और कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स और स्टूडेंट यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे इसका अपन तो साइन एक्स ऊपर प्लस हो जाएगा दैन मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ सो दैट कि ईजी रहेगा हमारे लिए है ना मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ उस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉसेक हम क्या लिख सकते हैं माइनस का टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ये साइन है इसको लिख सकते हैं अपन टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू देन ये कॉस से कॉस कैंसिल टू से टू कैंसिल देन ही हम ये लेंगे डी वाई अपॉन वाई और ये कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास कॉट एक्स बाई टू माइनस का आएगा इंटू डी एक्स देन ये आएगा आपके पास लॉग वाई और स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स बाई टू प्लस का लॉग सी ले लीजिए और यहाँ वन बाई टू नीचे आएगा तो टू कहाँ आ जाएगा ऊपर देन लॉग वाई इज इक्वल टू ये माइनस टू ऊपर गया तो स्टूडेंट ये आएगा सी अपॉन लॉग मैं इसको सीधा लिख देता हूँ लॉग सी अपॉन ये माइनस टू है तो इसलिए वन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू देन लॉग से लॉग कैंसिल तो स्टूडेंट यहाँ से आएगा सी कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू देन हमारा जो आंसर आएगा इसके आप है ना इसको दे लीजिए तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा वाई माइनस सी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वाई माइनस सी है ना क्या आएगा वाई माइनस सी कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू और स्टूडेंट यहाँ से अपनों ने कहीं माइनस कॉमन तो नहीं लिया यस माइनस कॉमन लिया माइनस ऊपर ले लिया बिल्कुल यही आंसर आएगा आपका इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारा आंसर आएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एक बार ये आप समझ लीजिए। सो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पी क्यूब ये पी में क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले आप यहाँ से पी कॉमन निकालेंगे तो आएगा पी स्क्वायर
एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री पी एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैन यहाँ पे p आएगा, दैन p स्क्वायर, यहाँ पे आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मैं इसके फैक्टर बहुत ईजी हो जाएंगे, देखो 3 अंदर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन x प्लस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस टू एक्स, तो इस देखो इसको ऐड करेंगे अपन, तो देखो यहाँ 3x आ रहा है और 3y आ रहा है, बिल्कुल इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं प्लस y प्लस टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको इसके साथ लिखूँ तो ये आएगा p इंटू पी स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई प्लस पी इंटू एक्स प्लस टू वाई प्लस पी इंटू वाई प्लस टू एक्स इंटू वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। देन यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास p, यहाँ से कॉमन आ रहा है p, x प्लस टू वाई कॉमन आ रहा है आपके पास, तो अंदर बचेगा p प्लस वन, राइट है ना, यहाँ p बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है पी वाई प्लस सॉरी ओनली वाई प्लस टू एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा आपके पास पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और स्टूडेंट यहाँ से पी प्लस वन भी कॉमन आ रहा है आपके पास, तो ये आएगा पी इंटू पी प्लस वन, देन ये आएगा पी एक्स प्लस टू वाई प्लस यहाँ कितना बचा आपके पास ये वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे तीन फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा वाई इज इक्वल टू जीरो, एक बनेगा पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और एक बनेगा पी एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो p इज इक्वल टू जीरो में यहाँ पे आएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये आएगा y इज इक्वल टू सी, ये जरा जीरो में चला जाएगा, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू सी मिलेगा, देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन मैं इसको ले लूँगा तो ये आएगा dy वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका dx को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, एक हमारे पास अगला फैक्टर मिलेगा। और स्टूडेंट इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे जो p है इसको हम लिख सकते हैं, है ना, p को मैं लिख सकता हूँ लाइक वो वाला जो थर्ड वाला फैक्टर, उसको देखिए आप लोग x प्लस टू वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस p को मैं लिख सकता हूँ dy वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन डी एक्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, सो एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक्स डी वाई आप एक साथ लिख लीजिए और यहाँ से वाई डी एक्स एक साथ लिख लीजिए, इसको एक साथ मर्ज कर दीजिए, ईजी पड़ेगा, देन यहाँ तो ये सीधा सीधा हो रहा है, ये हो रहा है टू डी वाई एंड देन टू एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए, तो ये वाई डी वाई और एक्स डी एक्स का तो बहुत ईजिली हो रहा, बट यहाँ पे जो एक्स डी वाई और वाई डी एक्स आ रहा है इसको एक साथ लिखना पड़ेगा, और हम जानते हैं स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यू इंटू वी से इसका हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देन यहाँ देखिए हम सीधा इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, ये आएगा एक्स वाई और इसका आएगा वाई स्क्वायर बाई टू से टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल, तो ये हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन आया। देन इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, वाई माइनस सी, देन उधर सी लिया है तो क्या आएगा वाई प्लस एक्स माइनस सी, देन ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा जो कंटेंट है आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरे जो पुराने जितने भी वीडियोस हैं स्टूडेंट, लाइक मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बी एस सी आई टी जेम आई एस जो ऑप्शनल पेपर होता है मैथमेटिक्स पे, उस पे मैंने वीडियोस मतलब मेरे जो वीडियोस है वो वाले कोर्स को भी कवर करते हैं, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो आरजीपीवी के स्टूडेंट है या आरटीयू के स्टूडेंट है या अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटी के जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसमें ये सब टॉपिक कवर होते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे बताइए, और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।